जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी के पंचमुखी अवतार पांच दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मुख में एक मुख, तीन नेत्र और दो भुजाएं हैं। परंतु हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। यह कड़ी समर्पित है हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को। चलिए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में। राम और रावण के मध्य युद्ध समाप्त होने वाला था। उधर रावण को ज्ञात हो गया था कि उसकी पराजय निश्चित है। तब उसने अपने भाई अहिरावण को स्मरण किया। अहिरावण एक ज्ञानी पंडित, तंत्र मंत्र का ज्ञाता और माँ भवानी का भक्त था। विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण अहिरावण को बुला रहा है तो वो चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौंपा। लंका में सुहेल पर्वत पर स्थित राम लक्ष्मण की कुटिया थी। हनुमान जी ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अहिरावण और उसका भाई महिरावण दोनों ही राम लक्ष्मण का अपहरण करने आए, परंतु हनुमान जी द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को पार करना उनके लिए संभव नहीं था। तब महिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश कर लिया और दोनों राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गए। जब राम और लक्ष्मण की खोज में हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, जहां द्वारपाल ने हनुमान जी को प्रवेश करने से रोक दिया। उसने कहा कि अंदर प्रवेश करने के लिए हनुमान जी को पहले उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के दौरान हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि विजय हनुमान जी की ही हुई, परंतु उसकी शक्ति से हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, तब उसने बताया कि वो हनुमान पुत्र मकरध्वज है। जब हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया तो देखा कि अहिरावण ने पांच दीप माँ भवानी के लिए प्रज्वलित किए हुए थे। मंदिर में अलग अलग स्थान पर पांच दीप प्रज्वलित थे। हनुमान जी ने राम की रक्षा हेतु भवानी से प्रार्थना की। माँ भवानी ने प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा कि यदि ये पांच दीप एक साथ बुझा दिए जाए तब क्रूर दैत्य अहिरावण का नाश हो जाएगा। जब अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने भवानी के मंदिर में आ रहे थे, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसमें पूर्व दिशा में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख था। और इस प्रकार अपने पांच मुखों से हनुमान जी ने उन पांच दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध किया और राम एवं लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। और इस प्रकार हनुमान जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी, जिसमें पांच विभिन्न शक्तियों का समावेश है। इसी कारण हनुमान जी के इस रूप को बहुत शुभ और शक्तिशाली कहा गया है। साथ ही अपने पंचमुख अवतार के कारण ही हनुमान जी भगवान राम की रक्षा करने में सफल हुए। इसी के साथ अब मुझे दें अनुमति, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक जानकारियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।